और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, 15 कैबिनेट और 8 राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर, कैबिनेट में 20 नए राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मोदी कैबिनेट में सदस्यों की संख्या अब 77 हो चुकी है। नए मंत्रिमंडल विस्तार में 7 महिलाओं को भी जगह दी गई है। देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार और इतिहास में अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल ये होगा। इसी के साथ जो लोग ज्यादा एडुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जगह दी गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का कल शाम पहला और अब तक का सबसे बड़ा विस्तार हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 43 मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री शामिल हैं। 43 में 36 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, वहीं 7 मौजूदा मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 7 महिलाओं को भी जगह मिली। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या अब 77 हो गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ बड़े चेहरों में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया, जिनमें गृह मंत्री रहे अमित शाह के साथ सहकारिता मंत्रालय को भी जोड़ा गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल मंत्रालय दिया गया। पीयूष गोयल को टेक्सटाइल फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय मिला। पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी मत्स्य पालन विभाग मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। वहीं हरदीप पुरी को यूडी और पेट्रोलियम मंत्रालय, साथ ही स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे और आईटी मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। वहीं मीनाक्षी लेखी को विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह अनुराग ठाकुर को युवा मामलों के साथ आईबी मंत्रालय और भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कैबिनेट में इस विस्तार के जरिए मोदी सरकार अपने सबका साथ सबका विकास वाले एजेंडे को और तेज करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जिले की और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए मंत्रियों की बैठक बुलाई है। पीएम आवास पर शाम 5 बजे मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। शाम 7 बजे पीएम मोदी करेंगे पूरी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक। नए मंत्रियों को 15 अगस्त तक दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं संसद में रोस्टर ड्यूटी के वक्त जरूर मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए नए मंत्रियों को 15 अगस्त तक, आने वाले 15 अगस्त तक दिल्ली में ही वो रहे, ऐसे निर्देश भी पहले ही दे दिए गए हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में मोदी की टीम 15 करेगी 2022 का शंखनाद। मोदी कैबिनेट में अब उत्तर प्रदेश कोटे से कुल 15 मंत्री होंगे। ये बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी के 7 नए ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह मिली है। यूपी कोटे से केंद्रीय कैबिनेट में 8 दिग्गज पहले से ही मौजूद थे। मोदी की टीम 15 पर यूपी के विकास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव यहां पर होने हैं। यूपी में मोदी की टीम 15।
मिस्टर टेनी जो लखीमपुर खीरी से सांसद हैं, उन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। इससे अवध और मध्य यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक सधेगा। जबकि मोदी सरकार में यूपी कोटे से पहले ही मंत्री बने 8 चेहरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं जो लखनऊ से सांसद हैं, स्मृति ईरानी अमेठी सांसद हैं, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से सांसद हैं, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर सांसद हैं, जनरल वी के सिंह जो गाजियाबाद से सांसद हैं, संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, रामपुर से आने वाले मुख्तार अब्बास नकवी जो राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। पहले से मोदी की मंत्रिपरिषद में शामिल ये 8 मंत्री और नए बने 7 मंत्रियों को मिलाकर इनके अनुभव के साथ ही सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों के जरिए उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है, जिससे 2022 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 300 प्लस का टारगेट आसानी से पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर धर्मनगरी चित्रकूट में आज से आरएसएस की सालाना बैठक शुरू होने जा रही है। 12 जुलाई तक चलने वाली इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में संघ प्रमुख के अलावा भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी और संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी हिस्सा लेंगे। दीनदयाल शोध संस्थान के आरोग्य धाम में चलने वाली इस बैठक को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली में 3000 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर उतरेंगे, केजरीवाल सरकार के खिलाफ बोलेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हल्ला बोलेंगे। और इसी के साथ देखिए, लगातार सरकार को पूरी पूरी घेरने की कोशिश किस तरीके से बीजेपी कर रही है। और अब इस मुद्दे पर बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता समर्थक सड़क पर उतरेंगे। तो देखिए, इसमें मीनाक्षी लेखी का नाम शामिल है, रमेश भिधुड़ी का नाम इसमें शामिल है, जो कि आज सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। और सीधे तौर पर हल्ला बोला जाएगा केजरीवाल सरकार के खिलाफ। जो किल्लत पानी की दिल्ली में देखने को मिल रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में भारी रोष देखने को मिल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि यूपी में पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए कवायद तेज हो गई है। सूबे के सभी 826 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए आज नामांकन होंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होंगे। कल नाम वापसी का आखिरी दिन है और 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और इसी के साथ हर बड़ी खबर पर जी हिंदुस्तान की नजर लगातार बनी रही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं।